बालों की ग्रोथ रुक गई है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, गंजापन आ गया है, चौड़ी मांग हो गई है, रिसीडिंग हेयरलाइन हो गई है, पैचेस दिख रहे हैं, एलोपेशिया की शिकायत होने लगी है, या हेयर थिनिंग की आपको प्रॉब्लम हो रही है, या आपको ये सारी प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैदाइशी ही बाल कम है, आप अपने बालों को लंबा और घना करना चाहते हो, ये सारी चीजें अगर आप चाहते हो ना, तो एकदम सही जगह पे, एकदम सही वक्त पे हो आप। आज मैं आपको बता रही हूँ कि आप कैसे अचीव कर सकते हो, और इसका सिंपल आंसर है डर्मारोलिंग। डर्मारोलिंग के एक डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, तो वो आपको तो जरूर रेफर करना है, लेकिन कुछ न्यू एक्स्ट्रा चीजें जो मैं उसमें एड ऑन करना चाहती हूँ, और कुछ चीजें जो मैंने उसमें छोड़ दी थी वो मैं इसमें कवर करना चाहती हूँ। वेलकम टू माई चैनल गाइज, मैं हूँ राबिया, और आज मैं हाजिर हूँ मेरा फेवरेट, जो अभी आपका भी फेवरेट बन गया, वो वीडियो लेके, जिसका नाम है डर्मारोलिंग। डर्मारोलिंग क्या है, कैसे करना है, क्या क्या चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, क्या चीज़ यूज़ करना है, पहले करना है, बाद में करना है, हेयर वॉश करना है, नहीं करना है, कौन सा नीडल यूज़ करना है, कैसे टाइप के नीडल्स यूज़ करना है, सब सारी चीज़ों के मैं आंसर आपके साथ में शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डर्मारोलिंग क्या है, बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि वीडियो है, डिटेल वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, उसके लिंक उसको जरूर चेकआउट करें। फिलहाल शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि जो डर्मारोलिंग है वो है एक्चुअली में माइक्रो नीडलिंग। इसमें हम बहुत सारे नीडल्स से हमारी स्किन हो या हमारे स्कैल्प में पंचर करते हैं, बहुत सारे से छोटे छोटे होल्स करते हैं, या ये माइक्रो टेयर्स पैदा करते हैं। ये हम करते क्यों है, एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको। कहीं रोड पे ऐसा मान लो कहीं पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, किसी की लड़ाई वगैरह चल रही है, तो क्या होता है, जो आने और जाने वाले लोग हैं, जो अपना काम कर रहे हैं, वो सब अपना काम दम छोड़ के वहां पे लपक जाते हैं। तो हमारी बॉडी भी ना लगभग इसी तरीके से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कैल्प में कहीं पे समझ लो पैचेस है या गंजापन है, बॉल्डनेस आ गई है, ठीक है, बाल की ग्रोथ नहीं हो रही है, मतलब वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है जिसपे हमारी बॉडी ध्यान नहीं दे पा रही है, तो अभी हमको उसको वहां पे ध्यान खींचना है, तो हम क्या करते हैं, माइक्रो नीडलिंग, नीडल से छोटे छोटे खड्डे करते हैं, यानी कि उसको ऐसा महसूस होता है कि कुछ जख्म हो रहा है, ठीक है, ऐसे जख्म नहीं होता है, वो टेयर्स होते, छोटे छोटे होल्स होते, पंचर होते हैं, तो बॉडी को लगता है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो सारा हमारा जो सिस्टम है वहां पे हीलिंग के हिसाब से वहां पे पहुंच जाता है। तो सिस्टम एक्चुअली हमारा सर्कुलेशन है, स्पेशली ब्लड का, वो सर्कुलेशन वहां पे पहुंच जाता है जहां पे जरूरत थी, वहां पे आपका गंजापन था, बाल कम थे, थिनिंग थी, आपको बॉल्डनेस की शिकायत थी, वहां पे आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही थी, वहां पे न्यूट्रिएंट्स वहां पे पहुंच रहे नहीं थे, ऑक्सीजन वहां पे पहुंच रहा नहीं था, अब सारी चीजें वहां पे पहुंची किसकी मदद से, डर्मारोलिंग की मदद से, राइट। वो ब्लड में ऐसे न्यूट्रिएंट्स जाते हैं हील करने के हिसाब से कि उसके वहां पे ग्रोथ होने लगे, तो इसीलिए आपको हेयर की ग्रोथ होती है आफ्टर डर्मारोलिंग, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो उसको समझाना पड़ता है, जो वो भूल चुका है, तो आपको इसको स्काल्प में करना है, क्योंकि आपके स्काल्प में बालों की ग्रोथ चाहिए। मैं आपको इसको हेयर फॉल के लिए रिकमेंड नहीं कर रही हूं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको बालों की ग्रोथ चाहिए। अब आपको ये डर्मारोलिंग कैसे करनी है, सबसे पहले आपको इसके लिए चाहिए होगा एक डर्मारोलर, ठीक है, मैं बहुत सारे डर्मारोलर्स यूज करती हूँ, जो भी अच्छे ब्रांड्स है जिसका मुझे अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, उसके लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, आपको जो अच्छा लगता है वो आप ले लीजिएगा। लेना कौन सा है, दो तरीके के आते हैं, 192 नीडल्स भी आते हैं और 540 नीडल्स भी आते हैं, मैं आपको रिकमेंड करूंगी 540 वाले नीडल्स आपको लेना है, ठीक है। साइज, नीडल का साइज क्या होना चाहिए वो वेरी करता है आपकी प्रॉब्लम के हिसाब से, आपकी बाल कितने कम है, कितने आपको ज्यादा चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन घर में अगर आप यूज कर रहे हो तो 0.75 के ऊपर आप मत जाओ। शुरुआत आप कर सकते हो 0.25 से, 0.5 mm से, ठीक है, और मैक्सिमम आप 1 mm तक जाए, उससे ज़्यादा नहीं जाए। मैं तो 0.5 mm ही करती हूँ और उससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। तो साइज़ जो है वो आपका नीडल का इतना ही होना चाहिए, क्यों, जितना ज़्यादा नीडल का साइज़ होगा उतना ज़्यादा ये डीप आपके स्किन में जाएगा, आपके स्कैल्प में जाएगा। आप सोचोगे बहुत अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा भी 19-20 किया तो ज़्यादा आपके स्कैल्प में हार्म होगा बेनिफिट से, ठीक है, तो वो हम नहीं चाहते, इसलिए छोटा साइज यूज करो जो आपको रिजल्ट भी दे, आप घर पे भी आसानी से यूज कर सकते हो। जो नीडल्स है उसकी क्वालिटी क्या होगी, टाइटेनियम अलॉय, ठीक है, टाइटेनियम के जो नीडल्स है वो आपकी स्किन के लिए सेफ होगी, आपकी स्किन में डीपली पेनिट्रेट करने के लिए, और आपकी स्किन में ये कोई हार्म नहीं देगी, तो उसके लिए ये क्वालिटी आपको चूज करनी है। तो आपको क्या करना है, ये जो डर्मा रोलर है आपके
हर जगह पे, जहाँ पे आपको बाल नहीं है वहाँ पे, या पूरे स्कैल्प में भी चाहो तो, क्योंकि पूरे सर भर के हम बाल चाहते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहीं पे चाहते, अगर पूरे स्कैल्प में चाहते तो हर जगह पे करें। छोटा छोटा एरिया आपको पकड़ना है, इतना एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के हिसाब से छोटा छोटा एरिया आपको पकड़ना है, और वहाँ पे आपको तीन डायरेक्शन में रोल करना है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगनल। ऐसे आप एक एरिया में कम से कम 4 से 5 बार करेंगे, ठीक है, तब जाके आपकी ये जो सुई है वो बहुत अच्छी तरीके से आपके सर में, आपके स्कैल्प में पेनिट्रेट होगी। ये क्या करती है, आपके फॉलिकल्स जो मर गए हैं, डेड हो गए हैं, उसको एक्टिवेट करती है। कोई भी चीज़ जब आप लेते हो, तेल लगाते हो, आप सीरम लगाते हो, आप कोई भी सारी चीज़ें अप्लाई करते हो अपने बालों में, आप देखते हो कि मुझे इसका रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, आपके फॉलिकल्स ही मर गए हैं, आपके फॉलिकल्स ही डेड है, वहाँ तक क्या पहुँचेगी चीज़ें और क्या वो एनर्जाइज हो गए। पहले एक्टिवेट तो करो अपने फॉलिकल्स को, वो खोलो, वो जड़े खोलो, ताकि जो भी चीज़ें आप डाल रहे हो उसके अंदर वो उसको एब्जॉर्ब करे और आपको न्यू हेयर ग्रोथ दे सके। डर्मा रोलिंग करने से जब हीलिंग का प्रोसेस होता है तो आपकी स्किन में कोलाजिन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये न्यूट्रिएंट्स, ये ग्रोथ फैक्टर्स जो हमको चाहिए हमारी जड़ों में, वो पहुंचने लगते हैं ब्लड के थ्रू। क्यों? क्योंकि अब ब्लड जहां पे वो पहुंच नहीं रहा था, आपके फॉलिकल्स मरे हुए हैं, डेड है, कुछ जान नहीं है, बेजान है, वो उसमें हमने जान भरने के लिए डर्मा रोलिंग की, अब ब्लड वहां पे पहुंचने लगा। ब्लड अकेला नहीं जा रहा है, ब्लड अपने साथ बहुत सारी चीजें लेके जा रहा है, ब्लड अपने साथ न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है, ब्लड अपने साथ वो न्यूट्रिएंट्स लेके जा रहा है जिससे आपके अब बालों की न्यू ग्रोथ होगी। तो इसीलिए हम डर्मा रोलिंग करते हैं गाइस। पूरा सर आपका 10 से 15 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। स्पीड जो है वो एकदम फास्ट होनी चाहिए, एकदम स्लोली करोगे तो दर्द महसूस होगा पता चलेगा, फास्ट करोगे अच्छे से प्रिक भी हो जाएगा और आपको दर्द भी महसूस नहीं होगा। तो ये इसका टेक्निक है। तो आपने कर लिया और फिर उसके बाद में आप ऑयल अप्लाई करो, अपना सेरम अप्लाई करो, जो आपको अप्लाई करना है आप कर सकते हो। मुझे जो सबसे अच्छा रिजल्ट मिला है वो है रोजमेरी एसेंशियल ऑयल और कोकोनट ऑयल के कॉम्बिनेशन से। प्याज का रस आप यूज कर सकते हो, लेकिन मैं डर्मा रोलिंग के बाद यूज नहीं करती हूँ। क्यों? क्योंकि डर्मा रोलिंग के बाद में एडवाइजेबल है कि आप एटलीस्ट 8 to 12 hours के लिए वेट करें अपने बालों को वॉश करने के लिए, शैम्पू करने के लिए, ठीक है। तुरंत भी आप चाहो तो वॉश कर सकते हो, मतलब आफ्टर 1 hour 2 hours आप वॉश कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा रिएक्शन ज्यादा ना हो, इन्फ्लेमेशन, ये सारी चीजें, इन्फेक्शन, ये सारी चीजों का प्रॉब्लम ना हो, तो उसको आप 8 से 10 घंटे के लिए वेट करें। तो ऐसे में सबसे बेस्ट चीज होती है ऑयल का एप्लीकेशन, ठीक है। तो आप ऑयल अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इसको आप ओवरनाइट रख सकते हो और नेक्स्ट डे पे वॉश कर सकते हो, या कई घंटों के बाद में आप इसको वॉश कर सकते हो, ठीक है। बेस्ट अगर मैं आपको बोलूं वो है अनियन जूस और रोजमेरी, ठीक है, उसमें कोकोनट ऑयल भी आप डाल सकते हो। तो ये कॉम्बिनेशन हो गया, इससे आपको 200,000% आपको रिजल्ट मिलेगा, एकदम बेझिझक होकर आप इसको यूज करना, ठीक है। यहाँ पे फसल उगती है, आपका खेत है, आपने हल चलाई, ठीक है, अच्छी तरीके से हल चलाई, ये आपका हल है, हल, ठीक है, आपके प्रॉब्लम का भी हल है और ऐसा भी हल है, आपने हल चलाई। अब खाद में जो आप चीज डाल रहे हो वो बहुत अच्छी तरीके से डालो, अच्छी तरीके से कवर करो, ये घुसने दो आपके जड़ों में। ये डर्मा रोलिंग की वजह से अब आपकी जड़ें जो है वो खुल चुकी है, वो बैठी है इंतज़ार में कोई अच्छी चीज़ आए ताकि उसको वो न्यूट्रिएंट्स मिले। बाहर से भी, अंदर से मिल रहा है ब्लड से, लेकिन जब बाहर से भी डालते तो डायरेक्ट उसको मिल रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ के लिए वो वेट करी, वो नरिशमेंट के लिए वेट करी, उस स्कैल्प के एनवायरनमेंट को अच्छा हेल्दी करने के लिए वेट करी, ताकि अब आपकी फसलें उगे। मैं बता नहीं सकती कि इससे आपको कितने परसेंट का रिजल्ट मिलता है गाइस। आप महंगे ट्रीटमेंट्स करवा लो, इनफैक्ट अगर आप कोई डर्मेट के पास जाओगे या ये ट्रैकोलॉजिस्ट वगैरह के पास जाओगे तो ये लोग डर्मा रोलिंग के बाद पीआरपी करोगे ना तो उससे आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट्स मिलता है, जो पीआरपी करने से सिर्फ नहीं मिलता। तो डर्मा रोलिंग इतना फायदेमंद है। मैं आपको ये भी नहीं बोल रही कि इसके बाद पीआरपी करो, कुछ करने की जरूरत नहीं, उसके बाद नॉर्मल अच्छा तेल अप्लाई करो, बालों की फास्टेस्ट ग्रोथ करता है गाइस। इससे फास्टेस्ट तरीका आपके बालों का, आपके फॉलिकल्स को बढ़ाने का नहीं है। क्यों मालूम है? जब आप डर्मा रोलिंग करते हो तो आपके न्यू स्टेम सेल्स पैदा होते हैं, न्यू स्टेम सेल्स। ये स्टेम सेल्स का काम क्या है? ये स्टेम सेल्स क्या करते बताए? ग्रोथ हॉर्मोन्स जो होते हैं, ग्रोथ हॉर्मोन्स, उसके प्रोडक्शन को स्पीड अप कर देते। सोचो, ग्रोथ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन बढ़ने लगा मतलब आपकी हेयर ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये ऐसे काम करता है गाइस, और इससे बेहतर तरीका स्पीड अप करने का आपकी बालों की ग्रोथ का कोई नहीं है। इससे बेहतर तरीका आपके बालों को घना करने का, न्यू फॉलिकल्स को बनाने का और कोई नहीं है। मेरी रेमेडीज जो होती है वो ऑब्वियसली काम करती है क्योंकि नेचुरल होती है और वो सब इफेक्टिव होती है, लेकिन मैं आपको हमेशा हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि डर्मा रोलिंग के बात करो, क्योंकि इसके रिजल्ट जो होंगे वो कोई महंगे ट्रीटमेंट्स में
भी नहीं मिलते। कितने बार आपको ये डर्मा रोलिंग करनी है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से नीडल्स का साइज यूज करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 0.25 mm का नीडल यूज करो, ये सबसे छोटा नीडल होता है, मतलब 0.25 mm का नीडल, ये अगर आप यूज कर रहे हो तो आप एवरी अदर डे, एक दिन छोड़ के एक दिन आप यूज कर सकते हो अपने बालों में। अगर आप 0.5 mm का यूज कर रहे हो तो आप सिर्फ 5 से 7 दिन के अंदर एक बार करें, उससे ज्यादा रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अगर आप 0.75 mm का यूज कर रहे हो तो 10 से 12 दिन या 15 दिन के बीच में एक बार यूज करो। अगर आप 1 mm का यूज कर रहे हो तो 15 से 20 दिन में आपको सिर्फ एक ही बार करना है। अगर आप उसके ऊपर जा रहे हो, जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आपको घर पे नहीं करना है, तो वो आपको 1 महीने में सिर्फ एक बार करना होता है बस। मैं जो यूज करती हूँ वो है 0.5 mm, और आप सोचोगे डर्मा रोलिंग से इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो इसको आप ज्यादा करो तो और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नहीं, मैंने क्या कहा, ये माइक्रो टीयर्स पैदा करते हैं आपकी स्किन में, राइट। ज्यादा करोगे ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगी, ज्यादा हो सकता है इन्फेक्शन होगा, तो आपको फायदा कम होगा, नुकसान ज्यादा होगा। वो टाइम पे हमारी स्किन ये समझ नहीं पाएगी कि क्या हो रहा है, तो हेयर ग्रोथ आपकी नहीं होगी, उल्टा दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कभी कभी लोगों को एक्स्ट्रा हेयर फॉल हो जाता है। डर्मा रोलिंग में ओवरडूइंग बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। और इसके दूसरे फायदे भी आप सुन लो, ये जो डर्मा रोलिंग आप करते हो, इससे जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो उसका एब्जॉर्प्शन आपके स्कैल्प में दुगुना तिगुना हो जाता है। मतलब जितना एब्जॉर्ब हो रहा था उससे अब 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। 3 गुना ज़्यादा एब्जॉर्ब मतलब 3 गुना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। मतलब जहाँ आपको 1 इंच बढ़ रहे थे आपके बाल, वहीं आप 3 इंच बढ़ने लगेंगे। ये इसकी खासियत है। और कई लोग सोचते हैं कि डर्मा रोलिंग से पहले अप्लाई करें, डर्मा रोलिंग के बाद अप्लाई करें कोई भी हेयर प्रोडक्ट, वो आप पहले भी कर सकते हो बाद में भी कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप थोड़ा सा ऑयल ले रहे हो या अनियन जूस ले लो या कोई सीरम ले लो, पहले अप्लाई कर लिया आपने, ठीक है, हल्का, ज्यादा नहीं करना है। वेट आपके बाल नहीं रहने चाहिए, आपके बाल क्लीन रहने चाहिए, आपके बाल ड्राई रहने चाहिए। तो हल्का सा अप्लाई किया और उसके बाद में डर्मा रोलिंग करो, और ये ऑप्शनल है, लेकिन पक्का जो करना है वो डर्मा रोलिंग के बाद तो 100% करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का बेटर एब्जॉर्प्शन होता है आपके स्कैल्प में। कितना आसान है, कितना आसान, 200-250 में आपको एक डर्मा रोलर मिल जाता है गाइस। और इसको आप कितना यूज कर सकते हो, 15 से 20 बार, यानी कि तकरीबन आप 5 से 6 महीना एक डर्मा रोलर को चला सकते हो। और कई बार ये क्वेश्चन आता है कि स्किन का और हेयर का डर्मा रोलर आप सेम ही यूज करके कर सकते हैं क्या, तो मैं ऐसा तो कर सकते हैं क्योंकि आप उसको अच्छे से क्लीन करते हो, क्लीन कैसा करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि मत करो। स्किन का अलग रखो, हेयर का अलग ही रखो, ठीक है। यूज करने से पहले आपको अच्छे से वॉश कर लेना है, और जो आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है, यानी कि जो आपका स्पिरिट होता है, ये आपको इसमें डुबो के रखना है। 30-35 रुपए में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिलता है, ये सर्जिकल स्पिरिट इसको बोलते हैं। इसमें आपको थोड़ी देर के लिए इसको डुबो के रखना है, ये डिसइंफेक्ट हो गया, उसके बाद में आपको इसको अच्छे से सुखा लेना है, ड्राई कर लेना है, और फिर आपको अपने बालों में यूज करना है। यूज कर लिया एक बार, ठीक है, उसके बाद में आपको यही सेम स्टेप रिपीट करना है। आपको इसको अच्छे से वॉश कर लेना है, सोपी वाटर में आप इसको वॉश कर सकते हो, उसके बाद में इसको सुखा ले और फिर इसको फिर से डिसइंफेक्ट करे, स्पिरिट में डाले उसको डिसइंफेक्ट करे और फिर इसको सुखा ले, और उसके बाद में फिर से इसके केस में बंद करके रख दे। ये मेरे पहले बालों की ग्रोथ थी, ये लेंथ भी मेरी कम थी, प्लस जो डेंसिटी थी वो भी मेरी, मैं ऐसे नहीं बोलूंगी मेरे बाल बहुत ज्यादा घने, बहुत ज्यादा लंबे, नहीं, लेकिन सोचो पहला ये था और उसके बाद में आज ये है, उसके हिसाब से कंपेयर करके बोलो। मैं ये नहीं बोल रही कि बहुत ज्यादा, लेकिन ये वाकई में बहुत है गाइज, और मेरे लिए बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग है, इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के बोल रही हूँ कि प्लीज इसको जरूर ट्राई करो, और मेरी रेमेडीज यूज करने से पहले आप डेफिनेटली डायरेक्टली भी कर सकते हो, लेकिन डर्मा रोलिंग मैं आपको, मतलब अगर राबिया का नाम आ रहा है हेयर में, तो वो सबसे पहला डर्मा रोलिंग ही आपको रिकमेंड करेंगी। डर्मा रोलिंग प्लस नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, उसके अलावा और कोई तीसरी चीज की आपको जरूरत नहीं होगी आपके बालों की ग्रोथ के लिए, गंजेपन के लिए, हेयर थिनिंग के लिए, स्कैंटी हेयर के लिए, पैचेस के लिए, रिसीडिंग हेयरलाइन के लिए, किसी भी चीज के लिए आपको और किसी तीसरी चीज की जरूरत नहीं होगी। ये सिंपल सा 2 फॉर्मूला अपनी हेयर केयर रूटीन में इंक्लूड करोगा इस, प्लीज ट्रस्ट मी। अगर आपने डर्मा रोलिंग करना सीखी है तो मैं, ये मुझे सुनने अच्छा लगेगा कि आपने वो मेरे से सीखा है, मुझसे जाना है और उसके बाद में यूज किया है, क्योंकि इसके रिजल्ट्स इतने ज्यादा है कि आप मुझे हमेशा दुआ में याद रखोगे, ये चीज मैं चाहती हूँ बस गाइस, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रही हूँ। तो बस आज के लिए इतना है गाइस, फिर भी अगर मैंने आपके कोई क्वेश्चन को आंसर नहीं किया, मुझे पता है मैं भुलक्कड़ हूँ थोड़ी सी,
तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें, जबकि मैंने लिख के रखे है सारी चीज़ें, उसके बाद भी मुझे पता है कि मैं भूल गई होंगी कितनी सारी चीज़ें। तो अगर आपके कोई क्वेश्चंस है जो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में आंसर करने वाली हूँ, क्योंकि डर्मा रोलिंग को कैसे यूज़ करना है ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ नीचे क्वेश्चन करो और पूछो, मैं सबको आंसर करने की कोशिश करूंगी, मेरा वादा है, प्रॉमिस है, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ कर लो यार, वीडियो को लाइक करो, इतना बोल बोल के मेरा गला सूख गया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल को जरूर टिक करो, ताकि जब भी मेरा कोई न्यू वीडियो आए, चाहे हेयर से रिलेटेड हो, स्किन से रिलेटेड हो, वो सबसे पहले आप देखो और आपकी सारी प्रॉब्लम्स को आप घर बैठे आसानी से सॉल्व कर सको। ठीक है गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय।